एक नई फिल्म आ रही है जिसे लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है। फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि रिलीज के लिए तैयार है। इसी महीने की 30 तारीख को फिल्म थिएटर्स में आ रही है। आप लोगों को इस फिल्म से क्या शिकायत है? आप क्या चाहते हैं? आखिर फिल्म से आपको क्या दिक्कत हो गई है? नमस्कार, मेरा नाम अफरोज खान, मैं संयुक्त विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे बगल में हमारी छोटी बहन रीना जॉन जी, राष्ट्रीय महासचिव संयुक्त विकास पार्टी, राष्ट्रीय महामंत्री मनोहर हुसैन जी। देखिए, इसके साथ मैं बॉलीवुड में पिछले कई सालों से एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से ये सामने आ रही है कि पैसा कमाने के लिए द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, तो कभी कश्मीर पायल, तो कभी कोई फिल्म, तो कभी कोई फिल्म। भाई, हमारा बॉलीवुड बांटने का काम नहीं करता है। हमारा बॉलीवुड हमारा देश के अंदर एक अच्छा मैसेज देता है कि पूरा देश में सभी धर्म सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, ना कि चंद पैसा कमाने के लिए, पॉकेट में रुपया भरने के लिए कभी कोई फिल्म लेके आ गया। अभी क्या है ये, सनोज मिश्रा जी को किसने ये बोला था फिल्म बनाने के लिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी ये देखिए, अगर ये फिल्म, और उसके बाद भी हमारे सेंसर बोर्ड साहब जो हैं, चेयरमैन साहब ने उनको ये किया, मैं उनसे भी डिमांड करता हूं कि इस फिल्म को संसद भवन में दिखाया जाए, और संसद भवन में जब तमाम लोग इस फिल्म को देखे और जब ओके हो तब इसको रिलीज किया जाए। संयुक्त विकास पार्टी, अगर ये फिल्म को दोबारा से नहीं दिखाया गया, इसका दोबारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, तो संयुक्त विकास पार्टी के भी करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश में है। मैं तभी तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का विरोध हो और शांतिपूर्वक विरोध हो, और अगर ज्यादा तंग करें तो इनके पोस्टर फाड़ दीजिए, फिल्म रिलीज नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आपसे भी निवेदन है कि जिस तरह से हमारे मुल्क का जो शांतिपूर्वक देश हमारा चल रहा है, ऐसी फिल्म को बिल्कुल भी क्लीन चिट ना मिले जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो। एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। संयुक्त विकास पार्टी सभी धर्म सभी वर्गों का सम्मान करती है, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और एज ए पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम उन सभी तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, देश की जनता से भी अपील करते हैं कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का विरोध किया जाए इस तरह की फिल्में, और ऐसा विरोध हो देश के अंदर कि दोबारा कोई भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस तरह के स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग पर कभी काम करने के बारे में सोचे नहीं। क्योंकि जब अगर हमारे देश की जनता इस फिल्म को देखेगी नहीं, जब फिल्म का प्रमोट नहीं होगा तो फिल्म को कोई देखेगा नहीं, जब उनका लॉस होगा तब पता लगेगा ना पर्टिकुलर इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप लोग। जी अफरोज भाई, लेकिन दिक्कत यह है कि भाई फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अपनी तरफ से परमिशन दे दी है, सर्टिफिकेट दे दिया है, और सेंसर बोर्ड इस पूरे देश के अंदर फिल्मों की सबसे बड़ी बॉडी है जो उसे गवर्न करती है, परमिशन देती है। उससे अगर परमिशन मिल गया है तब फिर आप कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि सेंसर बोर्ड के ऊपर तो कुछ होता नहीं है। हमारे यहां फिल्म रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड से ही परमिशन लेनी होती है, तो अगर सेंसर बोर्ड ने परमिशन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, सेंसर बोर्ड ने परमिशन जो दिया है, और वो कैसे परमिशन दिया है मैं तो उनके बारे में उतना टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन संयुक्त विकास पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करती है कि इस फिल्म को संसद भवन में दिखाया जाए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को। उसके बाद अगर हमारे संसद गण के जितने भी सदस्य पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, उनका जो जजमेंट आता है, फिर वो जो फैसला लेते हैं, तो उससे हमारा देश हित में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। संयुक्त विकास पार्टी हमेशा, जब से पार्टी देश में बनी है, और एज ए संगीतकार हम चाहते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति कायम रहे। मैडम, आप तो महिला है, और जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है, मैंने ट्रेलर देखा कि भाई महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से माइनॉरिटीज महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ गुनाह किए जा रहे हैं, उसे इस फिल्म में पोर्ट्रेट किया गया है। ट्रेलर देख के तो कम से कम यही लगता है, पूरी फिल्म तो मैंने देखी नहीं। आपको नहीं लगता कि महिलाओं पर अगर कोई ज्यादती हुई है तो वो लोगों के सामने आनी चाहिए द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के रूप में? जैसे
जैसा कि आपने बताया कि ये टेलर है क्या, पहले तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसी मूवीज, बीच में केरला करके भी मूवी आई थी जी, उसमें भी महिलाओं पे बहुत अत्याचार वगैरह किया गया, वो संसद ने पास कर दिया, संसद ने। तो ऐसी मूवीज जो महिला के मतलब होती, जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पर, उन्हें ये मूवी देख के हर एक चीज का ये विरोध करना चाहिए और ये नहीं बननी चाहिए ऐसी मूवीज, तो इसको रोकना चाहिए सबको मिलके। अफरोज भाई आपको क्या लगता है, सनोज मिश्रा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, वो कह रहे थे कि वो ये जो फिल्म है उन्होंने ना सिर्फ डायरेक्ट की है बल्कि लिखी भी है, और फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से बॉर्डर से पार करके रोहिंग्या जो है वो हिंदुस्तान में घुसपैठ करते हैं, और यहां पर किस तरह से उन्हें शय दी जाती है सरकार की ओर से, रूलिंग पार्टी की ओर से। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है और वही फिल्म में मैं दिखा रहा हूं। ऐसा है, अब सनोज मिश्रा जी से अगर ये सवाल हम लोग, हमारी पार्टी के लोग पूछे कि भाई साहब तो जो आप गए थे वहां पे देखने के लिए कि रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान या वगैरह वगैरह कोई भी है, पर्टिकुलर अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे देश की बीएसएफ क्या नहीं है बॉर्डर पे, हमारी सरकार के नुमाइंदे वहां पे नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई इस तरह की बातें नहीं है। और हमारे देश की, हम अपने मेरे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी फोर्स, हम उस पर हम गर्व करते हैं, हमारे हमारा देश गर्व करता है। इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम सनोज मिश्रा जी कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि हम कुछ भी सोच लिया बैठे बैठे और ये उसको हम कर रहे हैं। बॉर्डर किस लिए हमारी, इसका मतलब अगर आप देख के आए हो तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे भी ये सवाल आप उठा रहे हो कि इसका मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे काम नहीं कर रही है, हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वहां पे काम नहीं कर रहे हैं। ये सनोज मिश्रा जी की, इससे जाहिर होता है कि ये सब मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोल नहीं सकता, मतलब ये है कि बस सरकार से ये निवेदन है कि इस फिल्म को बिल्कुल दोबारा से दिखाया जाए संसद में, और उसके बाद जो फैसला होता है फिर उस पर पुनर्विचार किया जाए, अन्यथा फिर देश में ये माहौल बिगाड़ने का काम ना करें, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को बैन किया जाए। अफरोज भाई, क्या आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि भाई सनोज मिश्रा जिन्होंने ये फिल्म की है, पिछली कुछ फिल्मों को उठाकर अगर देख लें तो उनकी लगभग लगभग हर फिल्म में कोई न कोई विवाद होता ही है, कोई न कोई कॉन्ट्रोवर्सी उनकी फिल्मों से जुड़ ही जाती है। मेरा यही कहना है जनाब कि आप ये हमारे देश की जो सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जितने भी डायरेक्टर या जितने भी प्रोड्यूसर कंट्रोवर्सी फिल्म बनाते हैं हम कहते हैं उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दो, एज ए डायरेक्टर का जो कार्ड बनता है डायरेक्टर एसोसिएशन उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि भैया ऐसा कोई काम मत करो। बॉलीवुड एक अच्छा मैसेज देता है, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। हम कहीं भी भाषण देते हैं तो हम ये बोलते हैं, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। वाह, इस गाने में जो मैसेज है अगर उसे हर आदमी समझ जाए तो शायद मुझे लगता है कि देश में से हिंसा, विवाद और नफरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अफरोज भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने तो बहुत वक्त गुजारा है फिल्म इंडस्ट्री में, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए आपने संगीत दिया है, संगीत का काम किया है, मैंने खुद आपकी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो लता मंगेशकर स्टूडियो में अटेंड की है, आपने बड़ा शानदार आपका करियर रहा, बड़ा शानदार आपने काम किया है, लेकिन बॉलीवुड को क्या रोकने का कोई तरीका है ही नहीं? क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा फेल हो चुका है कि जिसके जो मन में आए वो उठकर एक फिल्म बना देता है, अपने तरफ से कोई कहानी लाकर पेश कर देता है और उसका असर देश पर साफ तौर पर आज नहीं तो कल जरूर होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी बॉलीवुड के अंदर एसोसिएशन है, अभी हमारे पार्टी के अंदर भी बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पार्टी में अशफाक कोपेकर साहब है जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, और बाकी कोर कमेटी हमारी है, तो हम लोग एक विचार विमर्श बहुत जल्दी मीटिंग करके फाइनलाइज करने वाले हैं कि जितने भी डायरेक्टर, जितने भी प्रोड्यूसर और तमाम जिस तरह से वल्गर गाने बनते हैं, वल्गर फिल्में बनती है, एक बैठ के सारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन को बुला के मीटिंग होगी और ये फाइनल किया जाएगा कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर गलत चीज परोसा जा रहा है, जाति धर्म में बांटने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों पर बैन किया जाना चाहिए, हम मांग करेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर हुसैन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री
जो सरोज मिश्रा की दो तीन चीजें मैंने देखा इंटरव्यू में, बड़ा ही घटिया वर्ड था उनका, तो ऐसे आदमी को क्या बोला जाए? और ऐसे आदमी फिल्म बनाएगा तो ऐसा ही फिल्म बनेगा, मेरा मानना तो ये है। दूसरी नंबर बात, आज इन्होंने इस मुद्दे पे फिल्म बनाया, कल अगर कोई प्रोड्यूसर आता है वो बोलेगा मैं त्रिपुरा के मुद्दे पे फिल्म बना रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी बनाने देंगे? त्रिपुरा में बहुत घटनाएं हुई है, जो वहां की औरतें, मेरी बहनें हैं, जो भी भाभी है, कोई भी हो, उनको नंगा नंगा करके दौड़ाया, उस मुद्दे पे अगर फिल्म बनाया तो क्या फिल्म रिलीज करने देंगे सेंसर बोर्ड? उसका प्रोड्यूसर भी रेडी है। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते, हम लोग भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज ऐसे OTT निकला है जो बोलता है मुसलमान इसमें काम नहीं करेगा, क्यों भाई? मुसलमान क्या है? मुसलमान है क्या? मुसलमान कोई दुश्मनी करता, हर इंडस्ट्री में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब काम कर रहा है, मगर आज के डेट में वही देखा जा रहा है जो भाई ये मुसलमान है सो काम मत दो। अभी 3-4 OTT में ये चीज मैंने सुना तो बड़ा ही अफसोस हुआ, जो हमारे बहुत सारे स्पोर्ट बॉय जो हमारे साथ काम किया है, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और मैं भी काम करता हूँ, मगर वो आके बोलता है जो भैया हमारे को ये काम नहीं मिला सर, हमें ये काम नहीं मिला, तो बहुत दुख होता है। तो मैं ये चाहता हूँ इंडस्ट्री में जो सब समुदाय के लोग काम करें, दो पैसे वो भी कमाएं, 4 पैसे आप भी कमाओ, मगर ऐसा डायरेक्टर जो जिन्होंने बोला, सरोज मिश्रा जी क्या नाम है, इन्होंने ऐसा लफ्ज बोला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो इससे हम चाहते हैं कि दुनिया इनकी फिल्म को बैकआउट करे और कोई देखने ही ना चाहे। धन्यवाद अफरोज भाई, सवाल तो यही है कि भाई अब तक कलाकार की तो कोई जात होती नहीं थी, आज तक किसी ने शायद कभी नहीं पूछा कि भाई आप कलाकार हो, आप फनकार हो, तो आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है। आज तक तो कोई कलाकार, मुझे नहीं लगता कोई आम आदमी टिकट खरीदने से पहले ये पूछता है कि भाई इसमें अफरोज भाई ने काम किया है, आनंद ने काम किया है, संजय ने काम किया है, दिनेश ने काम किया, तो ही मैं फिल्म देखूंगा। हम लोग मजहब देख के फिल्में कब से चुनने लगे, या हम लोग मजहब के लिए फिल्में कब से बनाने लगे? आप समझे नहीं, तो सरोज मिश्रा जैसे डायरेक्टर और भी बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं देश के अंदर, उनकी जो सोच है, जिस तरह से उनके विचार हैं, वो विचार के माध्यम से पब्लिक में वो चीज परोसा जा रहा है, और जब वो परोसा जा रहा है तो भाई जैसा परोसेंगे वैसा लोग देखेंगे। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बोला, ये हो रहे शुरू हो गया इंडस्ट्रीज में भी सर, ये इंडस्ट्रीज में भी बातें आनी शुरू हो गई है, पहले इस तरह की बातें नहीं थी। और ऐसे डायरेक्टर हुए हैं जिनके वैसे आज ये बातें आ रही है कि भाई मुस्लिम स्पॉट बॉय नहीं लेना है, तो फलाना स्पॉट बॉय नहीं लेना है, तो ये क्यों ऐसा कर रहे? पहले तो हमारे इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं था, हमारा ये पूरा संयुक्त विकास पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों के खिलाफ। और हम अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी गंदी घटिया फिल्म आती है उसका पूरा विरोध करो और बिल्कुल कर उसको रिलीज मत होने दो। कुछ आप लोगों की डिमांड्स हैं, जैसे किसी मेकर को, किसी डायरेक्टर को, किसी प्रोड्यूसर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अगर कुछ सजाएं नहीं हुई, अगर रोका नहीं गया ऐसी फिल्में बनाने वाले लोगों के खिलाफ, तो आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सारी फिल्में लोग बनाएंगे, डर खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी में पूरे देश में वकील है, इस बार तो हम लोग द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दोबारा इस तरह की अगर कोई फिल्में बनेगी तो पूरे देश में उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ संयुक्त विकास पार्टी इतने केस लगवाएगा कि दूसरा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सोचेगा कि कभी कोई भी ऐसी फिल्म ना बनाए जिससे कि देश का माहौल खराब हो।